प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण श्रृंखला चल रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग 12वें ज्योतिर्लिंग अर्थात घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग? भूमंडल के दक्षिण एशिया में स्थित भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद के समीप दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बेरूल गांव के पास स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप में ही स्थित हैं। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घुसणेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। महात्म्य, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। कैसे स्थापित हुए घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर अत्यधिक प्रेम था। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। यही एकमात्र उनके जीवन का कष्ट था। सुधर्मा ने ज्योतिषी गणना से यह पता लगाया कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं है। सुदेहा संतान के लिए बहुत अधिक इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन घुश्मा से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा नहीं माने, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के आगे वे हार गए। वे अपनी पत्नी का आग्रह टाल नहीं पाए और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर अपने घर ले आए। दोनों बहनें प्रेम पूर्वक रहने लगी। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजन किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिनों के बाद उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों अत्यधिक प्रसन्न थी। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों के पश्चात सुदेहा के मन में एक कुविचार उत्पन्न होने लगा। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो घुश्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है, मेरे पति की संपत्ति भी हड़पने वाली है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का बालक भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर उसी सरोवर में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करने जाया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात की जानकारी मिली। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधु सिर पीट पीट करके फूट फूट रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के पश्चात वह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर सरोवर में विसर्जित करने के लिए गई। विसर्जित करने के बाद जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय अकस्मात सरोवर के अंदर से उसका पुत्र जो मर चुका था भला चंगा निकलकर आ गया और सदैव की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। वह बालक अपनी माता से कहने लगा, हे माता, मैं मरकर पुनः जीवित हो गया, चलिए मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन घुश्मा को ना अपने पुत्र के मरने का शोक हुआ और ना ही उसके पुनः जीवित होने का हर्ष हुआ। वह भगवान शिव की लीला समझकर आनंद मग्न हो रही थी।
भगवान भोलेनाथ घुष्मा की तन्मयता, उसकी निष्ठा एवं उसकी भक्ति देखकर अधिक विलंब न कर सके और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध थे और अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए उद्यत हो गए, परंतु घुष्मा हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही इसने जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र तो वापस मिल गया ना, अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरी बहन यह अपराध नहीं की होती तो शायद मुझे आपके दर्शन लाभ प्राप्त नहीं होते। शिवजी उसकी उदारता देखकर उस पर और अधिक प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को बोले। घुष्मा ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि आप लोगों के कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु इसी स्थान पर सदैव के लिए निवास करें। भगवान शिव घुष्मा की प्रार्थना स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसी स्थान पर निवास करने लगे। शिव भक्ता घुष्मा के आराध्य होने एवं उसके विशेष आग्रह पर उस स्थान पर निवास करने के कारण भगवान शिव वहां घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है, इसलिए आप लोग भी घुष्मेश्वर महादेव के दर्शन हेतु अपने जीवन काल में एक बार अवश्य आइएगा। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रातः 5:30 बजे दर्शन के लिए खुलता है और रात 9:30 बजे बंद होता है। श्रावण के महीने में मंदिर सुबह 3 बजे से रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती 6 बजे तथा रात की आरती 8 बजे होती है। निकटवर्ती तीर्थस्थल और मंदिर। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे निकटवर्ती और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल शिवालय तीर्थस्थल है। यह वही सरोवर है जहां घुष्मा भगवान शिव का पूजन अर्चन किया करती थी और इसी स्थान पर भगवान ने उसे दर्शन दिए थे। घुष्मेश्वर के पास विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद में घूमने के लिए बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं, पंचाकी, भद्र मारुति मंदिर, सोनेरी महल आदि प्रसिद्ध स्थल भी हैं। आप जब भी यहाँ आइए तो इनका भ्रमण अवश्य करिएगा, इनका दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। इतिहास। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी से भी पहले किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों ने इस मंदिर पर कई आक्रमण किए और मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1680 और 1707 के मध्य मुगल सेना ने घुष्मेश्वर मंदिर पर कई हमले किए जिससे फिर मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वही मंदिर आज वर्तमान में स्थित है। स्थापत्य। दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर 240 फीट लंबा, 185 फीट चौड़ा अर्थात 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे लाल रंग के पत्थरों से बनवाया गया है। घुष्मेश्वर मंदिर में 3 मुख्य द्वार बने हुए हैं, 1 महाद्वार और 2 पक्ष द्वार हैं। सभा मंडप पत्थर के 24 स्तंभों पर बना हुआ है। इन स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार के दृश्यों को दर्शाया गया है, साथ ही अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। आवागमन के साधन। यदि आप घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करने यहाँ तक आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट औरंगाबाद, जो कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से 252 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बड़े आसानी से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँच सकते हैं। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद होते हुए सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी आदि के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग अर्थात घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको
पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और यहां तक आकर दर्शन लाभ प्राप्त करके पुण्य अर्जित कर सकें। यदि आप निरंतर इसी तरह से तीर्थस्थलों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी किसी तीर्थस्थल की जानकारी भरी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस तीर्थस्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री घृष्णेश्वर, हर हर महादेव।